और आज वर्ल्ड हार्ट डे है और इस मौके पर आपको बता दें कि मैराथन का आयोजन किया गया है जेएमके जवाहर सर्कल से लेकर यहां पर जेएमए से जवाहर सर्कल तक इस मैराथन का आयोजन किया गया है। वो खुद साइकिल चलाते हैं, खुद अपने आप को फिट रखने का संदेश देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। इससे बड़ा सुकून हमारे लिए नहीं हो सकता और मैं इसीलिए आज यहाँ आया सुबह कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि राजस्थान निरोगी रहे, यहाँ कोई आदमी बीमारी क्यों पड़े और किसी भी प्रकार की संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से राजस्थान बचा रहे। लोगों में इतनी अवेयरनेस रहनी चाहिए अपनी हेल्थ के प्रति, और सबसे बड़ा पार्ट बॉडी का वो हार्ट है। तो आप कैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये पॉइंट ध्यान में रख के आप नियमित आहार में परिवर्तन करिए, कोई नशे की कोई लत है तो उससे दूर रहिए, और जो वर्कआउट करना आपको चाहे साइकिलिंग के माध्यम से करें, चाहे स्विमिंग के माध्यम से करें, चाहे पैदल चलें, लेकिन अगर आप शरीर के प्रति, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें 17.9 मिलियन डेथ्स ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होती है। सर, एक चिंता वाली बात है कि युवाओं में अचानक जो है हार्ट की बीमारियां बढ़ी है, उसका क्या कारण मानते हैं और उसके लिए क्या योजना है, क्या प्लानिंग है? यही प्लानिंग है। आज 22 साल के बच्चे के हार्ट अटैक होता डेथ हो जाती है। आज एज तो कोई फैक्टर रहा ही नहीं है भाई, ये तो मशीन है बॉडी। तो अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल इम्बेलेंस है, अगर आपका बीपी अनियंत्रित है और आपका बॉडी जो है वो अगर फिजिकली फिट नहीं है तो किसी भी एज में हार्ट अटैक हो सकता है, और ये रोज आए दिन ही घटनाएं बढ़ रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई एज ग्रुप विशेष के लिए ये प्रोग्राम है, ये तो आपका हर एज ग्रुप के लोगों के लिए यही कार्यक्रम है स्वस्थ रहने का। सर, प्रदेश का सबसे बड़ा SMS अस्पताल है, यहाँ पर कार्डिक विंग को स्ट्रेंथिंग करने के लिए सरकार बड़ा प्रयास करने जा रही है, कार्डिक टावर बनाने जा रही है और भी जो लगातार जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। देखिए, कार्डियोलॉजी विंग की यहाँ बहुत लंबे समय से ज़रूरत थी, और जिस ढंग से यहाँ पर ओवर क्राउडेड रहता है हमारा भांगड़ अस्पताल, तो ये करीब 50 करोड़ में हमारा इमरजेंसी के पास में कार्डियोलॉजी की नई विंग बनेगी। IPD टावर बन रहा है। मुख्यमंत्री जी का, कांग्रेस की सरकार का हमेशा फोकस रहा है राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम मजबूत करें, और इसीलिए आप देख रहेंगे कि राजस्थान में चाहे वो महिलाओं की चिकित्सालय हो, बच्चों के अस्पताल हों, जनरल हॉस्पिटल हों, हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हों, उन तक को हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो राजस्थान में एक नया वातावरण बना है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा हमारी सरकार का फोकस रहा है, और इसीलिए कोविड जैसी महामारी में सबसे सुरक्षित प्रदेश पूरे देश के अंदर रहा तो राजस्थान रहा। सर, कार्डिक में कहा जाता है गोल्डन आवर बहुत जरूरी होते हैं और उसी में लोगों को बचाया जा सकता है, इसी को देखते हुए राजस्थान की और जो अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पर भी कैथ लैब की स्थापना की जा रही है, उसमें भी स्ट्रेंथन की जा रही है, मजबूती की जा रही है। देखिए, 3 जगह तो हमारी कैथ लैब शुरू भी हो चुकी है, बाकी भी हम प्लान कर रहे हैं, और राजमेश से जुड़े हुए जितने भी मेडिकल कॉलेज से अस्पताल हैं, अस्पताल संबद्ध, वहाँ भी हमारी प्लानिंग है कि आने वाले समय में हम कैथ लैब का बनाएं, ताकि ये जो हृदय संबंधी समस्याएं हैं इनका निदान जिला मुख्यालय पे हो जाए। आप जान रहे हैं कि 16 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। कल 4 मेडिकल कॉलेज का मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी वो शुभारंभ करेंगे काम का। तो जिस तेज गति से राजस्थान में हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे हमारे डॉक्टर्स की संख्या में कैसे इजाफा हो, सरकारी क्षेत्र में हर ज़िले में कैसे मेडिकल कॉलेज खुले, ये सारी कोशिशें सुपर स्पेशलिटी पे या PG की सीटों पे बढ़ाने पर ये तमाम ध्यान दिया जा रहा है, तो राजस्थान में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तो कमी नहीं। सवाल युवाओं से, प्रदेश की जनता से आज के दिन क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील है कि अपने आप को स्वस्थ रखो, आगे आओ, खुद के परिवार को स्वस्थ रखो, एजुकेट करो सोसाइटी को, अवेयरनेस के प्रोग्राम करो। अगर कोई प्रदेश स्वस्थ है और स्पेशली उस प्रदेश की नौजवान पीढ़ी स्वस्थ है तो मैं समझता हूँ उस प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल है। ये थे चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिन्होंने बताया कि लोगों से अपील किया है हार्ट दिवस के मौके पर कि स्वस्थ रहें, एक्सरसाइज करें और साथ में नियमित रखें अपनी पूरी दिनचर्या, ताकि जो हार्ट जो है उसको मजबूती प्रदान की जा सके। डॉक्टर रघु शर्मा को आप यहां पर सुन रहे थे। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर ये खास आयोजन किया गया है, साइकिल रैली का यहां पर मैराथन का आयोजन किया गया, और इस मौके पर कोशिश की जा रही है कि प्रदेश के युवाओं को स्वस्थ रखा जाए ताकि जो प्रदेश का भविष्य है वो उज्ज्वल रहे। बेहद अहम शरीर का हिस्सा होता है हार्ट, और ऐसे में हार्ट को स्वस्थ रखना बेहद जरूरी है, और इसी को लेकर आज प्रदेश सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है
कि युवाओं को स्वस्थ रखा जाए ताकि उनके परिवार स्वस्थ रह सके, उनको जागरूक करने के लिए ये खास पहल प्रदेश सरकार की तरफ से आज की जा रही है वर्ल्ड हार्ट डे पर। आपको बता दें कि जेएमए से लेकर जवाहर सर्कल तक साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया इस मौके पर, और कोशिश यही है कि प्रदेश का हर एक नागरिक स्वस्थ रहे, हर एक युवा स्वस्थ रहे, ताकि जो भविष्य है प्रदेश का वो उज्जवल हो सके। तो ये खास आयोजन प्रदेश सरकार की तरफ से, और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इस आयोजन में शिरकत की है। युवाओं को यहाँ पर जागरूक करने का काम जो है वो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की तरफ से। इसके साथ ही तमाम युवा यहाँ पर उत्साह नजर आए और उत्साह के साथ इस मैराथन में भाग लिया है, और उन्हें सम्मानित करते हुए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसी को लेकर कई ऐसे आयोजन हैं जो प्रदेश में होने जा रहे हैं, कई ऐसे लैब्स हैं जो यहाँ पर खोले जाएंगे प्रदेश में, ताकि जो स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ इंडस्ट्री है, उसे पूरी तरीके से डेवलप किया जा सके और प्रदेश के नागरिकों को पूरी तरीके से स्वस्थ रखा जा सके। और इसी को लेकर ये पहल प्रदेश सरकार की तरफ से। और इसी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गया है। विकास, साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, ऐसे में सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है कि हर एक नागरिक को, युवाओं को यहाँ पर स्वस्थ रखा जा सके, और क्या कुछ कार्यक्रम आज हो सकते हैं विकास? देखिए, आज विश्व हृदय दिवस है, और इस मौके पर जो पूरे प्रदेश के कार्डियोलॉजिस्ट है उनकी सोसाइटी, उनकी तरफ से बड़ी आयोजन किया जा रहा है जी। जो साइकिल रैली जो है वो निकाली जा रही है, और साइकिल मैराथन जो है उसके द्वारा संदेश दिया जा रहा है लोगों को, युवाओं को, प्रदेश के बुजुर्गों को, सबको, कि वो सिर्फ साइकिलिंग और स्विमिंग दो बड़ी ऐसी चीजें हैं जिनको करके अपने हार्ट को मजबूत रख सकते हैं। और यही जो संदेश है वो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दिया, बताया कि सरकार जो है निरोगी राजस्थान का जो सपना लेके चल रही है उसको साकार करने के लिए ये जरूरी है, इस तरह की जो इवेंट्स है वो जरूरी है। और उसके लिए उन्होंने विश्वास जताया कि सब लोग सरकार की जो ये पहल है, सोच है, उसमें भागीदार बनेंगे और उसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल विकास, जिस तरीके से आपने बताया कि युवाओं में जो हार्ट डिजीज है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे मामले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो उनको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखिए, युवाओं में जो हार्ट डिजीज है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ी बात है आज के दिन हम एक, मतलब कह सकते हैं हम हमारे दर्शकों को डरा नहीं रहे, लेकिन एक फैक्चुअल स्थिति से रूबरू करा रहे हैं कि हमारा दिल जो है उसकी उम्र 10 साल कट गई है। पहले जहाँ हार्ट की प्रॉब्लम है वो 40 साल से 45 साल की उम्र के अंदर देखने को मिलती थी, वहीं आमतौर पर अब जो हार्ट की डिजीज है वो 30 साल से 32 साल की उम्र के युवाओं में, और कई तो ऐसे केस भी हैं कि 20 से 22 साल के युवा के अंदर भी इस तरह केस सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता की बात है। और इसका, इसके पूरी तरह से जो कारण माना जा रहा है वो यही है कि जो दिनचर्या जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल अव्यवस्थित है, इसके साथ ही जो खान पान है वो उसका महत्वपूर्ण कारण है, इसके साथ में जो अनिद्रा है वो है, अल्कोहल का सेवन है, धूम्रपान का सेवन है, ये वो तमाम कारण है जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो कमजोर हो रहा है। और इसको बहुत गंभीर से देखा चाहिए, क्योंकि और दूसरे देशों की बात करें तो उनकी तुलना में जो हिंदुस्तान है उसमें कहा जाता था कि हमारा दिल बहुत मजबूत है।